हम ये नहीं कहेंगे कि बिंदल जी ने कितना काम किया, जनता भूल गई है नाहन की, याद आ रही है बिंदल, याद आ रही है। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या उन्होंने हल करी, आज उनको हमें महसूस होता है पानी की कितनी कमी हो रही है। चारों तरफ कितना वो बना हुआ, बैठने की जगह बना दिया उन्होंने, पहले नाहन में पार्क वगैरह कितने बनाए उन्होंने, बैठने के कितना अच्छा माहौल लगता है, कहीं पहले कौन बैठ सकता था कहीं। नमस्कार अंकल जी, आपका क्या नाम? विनोद सैनी। आप कहाँ के रहने वाले? नाहन के। तो माहौल यहाँ पर गर्म है? गर्म है बिल्कुल एकदम, मोदी जी का लहर है 101%। तो सुरेश कश्यप के काम से खुश है कि सिर्फ मोदी आना चाहिए? हम काम से खुश हैं इनके, मोदी का आना ही आएगा, जब काम अच्छा किया तो मोदी आएगा जरूर, हमें भी खुशी है। कुछ गिनवाना चाहें एक दो काम हैं? गिनवाना चाहें एक दो काम जो अच्छे? 370-28 नंबर एक, दूसरा राम मंदिर बना है, राम मंदिर में हम 500 साल से जो हम इंतजार कर, हमने तो 500 साल नहीं देखे मगर किताबों में जो पढ़ा है कि कितना अच्छा माहौल बना है इस समय। बिंदल साहब कैसे हार गए हैं? बिंदल जी कैसे हार गए फिर? बिंदल जी समय भी तो मोदी जी के नाम पे वोट, बिंदल जी की अपनी जगह है, मोदी जी की अपनी जगह है, मोदी जी भी हारने, बिंदल जी हारने वालों में से नहीं थे, उन्होंने किसी वजह से हारे होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बिंदल जी ने कितना काम किया, जनता भूल गई है नाहन की, पानी की समस्या थी, पानी की समस्या उन्होंने हल करी हर प्रकार से उनकी, आज उनको हमें महसूस होता है पानी की कितनी कमी हो रही है, घर घर में पानी नहीं आ रहा टाइमली, याद आ रही है बिंदल, याद आ रही है, घर घर में रास्ते निकाल दिए बिंदल जी ने, हर जगह आप सारी सड़कें देखो कैसी है कैसे नहीं, आप ये देखो ना चारों तरफ कितना वो बना हुआ, बैठने की जगह बना दिया उन्होंने, पहले नाहन में पार्क वगैरह कितने बनाए उन्होंने, बैठने के कितना अच्छा माहौल लगता है, कहीं पहले कौन बैठ सकता था कहीं पे।